हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शबीका किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं खुरमा। ये एक स्वीट डिश है जो खाने में ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होती है। आप सब इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। खुरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली हूँ 500 ग्राम मैदा, 500 ग्राम शक्कर। मैदा और शक्कर हमें इक्वल क्वांटिटी में ही लेना है। 150 ग्राम घी, मैंने यहाँ पे देसी घी यूज़ की हूँ, आप चाहो तो डालडा भी यूज़ कर सकते हो। आधा चम्मच इलायची पाउडर। अब हम एक परात ले लेंगे, नॉर्मली आप जिसमें आटा गूंथते हो रोटी बनाने के लिए, उसमें हम ऐड कर देंगे मैदा। अब ऐड करेंगे घी, पूरा घी हमें एक साथ ही यूज़ कर लेना है, तो अच्छे से स्प्रेड करके इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें मैदा और घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसे अच्छे से हथेलियों के बीच में धीरे धीरे से मसलते हुए मिक्स कर लेना है। याद रखिए, मिक्स करते टाइम हमें ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है, हल्के हाथों से ही इसे मिक्स करना है। अब हम चेक करेंगे कि ये सही से मिक्स हो चुका है या नहीं। उसके लिए हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और एक शेप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये शेप बन जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, इसका मतलब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से गूंद लेंगे, जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरह से। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, एक साथ पूरा ऐड नहीं करना है। अच्छे से गूंद के थोड़ा सॉफ्ट डो बना लेंगे। याद रखिए कि हमें बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, थोड़ा सा ही सॉफ्ट रखना है। अब हमारा डो बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। आधा घंटा डो को रख देने से ये थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा और खुरमा खस्ता बनेगा। आधा घंटा हो चुका है, आप देखेंगे ये भी और ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम एक छोटा सा पोर्शन लेंगे और उसे थोड़े देर के लिए गूंद लेंगे। एक मिनट तक अच्छे से गूंद लेने के बाद हम इसका गोल शेप बना लेंगे। और हाथों की मदद से प्रेस करते हुए इसकी साइज को बड़ा करते जाएंगे। अब हम बेलन की हेल्प से इसे फुल साइज तक बेल लेंगे। याद रखिए, इसे बेलने के टाइम हमें आटा, तेल कुछ भी यूज़ नहीं करना है, हमें इसे ऐसे ही बेलते रहना है। आटा या तेल यूज़ नहीं कर रहे हैं इसीलिए ये घूमेगा नहीं, हमें इसे अपने हाथों से ही अपने हिसाब से घुमाते हुए बेलते रहना है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमें इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे ही बेलते रहना है। याद रखिए कि ज़्यादा पतला नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमें इसे इसी साइज़ का बनाना है। अब हम इसे कट कर लेंगे
और ये जो साइड का पोर्शन होता है हम इसे निकाल लेंगे, और जब हम नेक्स्ट पोर्शन बेलेंगे उसमें उसे ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे इसे स्मॉल पीसेस में कट कर ली हूँ, आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हो। स्मॉल पीसेस में कट करने से ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अगर आप इसे बड़े पीसेस में कट करोगे तो उसे फ्राई होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे आप अपने हिसाब से किसी भी साइज या शेप में कट कर सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्मॉल पीसेस में कट की हूँ। इसी तरह से हम बाकी के बचे हुए पोर्शन को भी बेल कर कट कर लेंगे। तो ये सारे पीसेस कट के रेडी हो चुके हैं। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें इसे ऐड कर देंगे। याद रखिए कि तेल हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। ज़्यादा गरम तेल में इसे फ्राई करने से ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रह जाएंगे। इसीलिए हमें इसे स्लो आंच पे ही फ्राई करना है। पूरा खुरमा एक साथ फ्राई नहीं करना है। आपके पैन में जितनी जगह हो उस हिसाब से ही इसे ऐड करें, क्योंकि हमें इसे जगह भी देनी है जिससे ये फ्राई हो सके। मैंने पूरे खुरमे को 3 बैच में फ्राई की हूँ। खुरमे ऐड करने के बाद हम इसे स्लो आंच पे चलाते हुए ही फ्राई कर लेंगे। हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए ही फ्राई करना है जब तक कि ये हल्के गोल्डन कलर तक ना आ जाए। ये देखिए लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के खुरमों को भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये सारे खुरमे फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। अब हम एक पैन में शक्कर ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 गिलास पानी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी चाशनी बहुत ही ज़्यादा पतली नहीं होती है। अब हम शक्कर के पिघलने तक इसे स्लो आंच पे चम्मच चलाते हुए ही पका लेंगे। शक्कर पूरी तरह से पिघल चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहो तो ना भी यूज़ करो, लेकिन इसे ऐड करने से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। अब हम इसे स्लो आंच पे पका लेंगे। हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। ये देख सकते हैं आप, एक तार की चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए खुरमे ऐड कर देंगे। हमें इसमें एक साथ पूरा खुरमा ऐड नहीं करना है, पहले हम हाफ पोर्शन ऐड करेंगे और उसे अच्छे से चाशनी में चला लेंगे। उसके बाद हम बचा हुआ पोर्शन ऐड करेंगे और उसे भी अच्छे से चाशनी में मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम बंद करके खुरमे को अच्छे से चाशनी में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रख देंगे।
5 मिनट रख देने से चाशनी अच्छे से जम जाएगी और वो खुरमे पे दिखने लगेगी। तो यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो हमारा खुरमा बनके तैयार हो चुका है। तो आप सब इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।